है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिन लोगों को ब्राइडल मेहंदी मुझसे सीखनी थी। सो यहाँ मैं इस बार आपको बहुत ही डिटेलिंग के साथ ब्राइडल मेहंदी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ स्टार्टिंग एलिमेंट को सीखा था, लेकिन यहाँ हम इस स्टार्टिंग एलिमेंट में थोड़ा सा वेरिएशन ला रहे हैं। मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में बोला था कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग एलिमेंट आते हैं। सो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जब आप कोई स्टार्टिंग एलिमेंट क्रिएट करो तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उस स्टार्टिंग एलिमेंट को क्रिएट करना है, बहुत ही ध्यान से और फिनिश के साथ क्रिएट करना है। क्योंकि आपका जो क्लाइंट होता है, जब आपका क्लाइंट नया होता है तो वो आपकी स्टार्टिंग एलिमेंट से ही आपको जज कर लेगा, आपकी स्टार्टिंग से आपको जज कर लेगा कि आप उनके अकॉर्डिंग मेहंदी लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। तो इस वजह से आपको मेक श्योर करना है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने क्लाइंट की चॉइस से आप मेहंदी लगाए। आप पहले उन्हें एक्सप्लेन कर दें कि आप क्या क्या लगाने वाले हैं, उसी के बाद आप अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करिएगा। तो ये आपके लिए और आपके क्लाइंट दोनों के लिए एक अच्छा हो जाएगा कि उन्हें आप पर ट्रस्ट हो जाएगा कि आप उनके अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारी मेहंदी क्रिएट कर पाओगे। सो इसीलिए स्टार्टिंग एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन में। सो एज़ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक ट्राइंगल शेप में लाइन को ड्रॉ किया है, और उसी के बाद मैंने दो तीन लाइन को ड्रॉ करके हम उसको क्रिएट कर दिए। अब हमने यहाँ पे एम्बोज ड्रॉ करने हैं। अब एम्बोज आप बोलोगे कि हमने पहले डिज़ाइन में भी एम्बोज ही क्रिएट किया था, तो एम्बोज इट्स अ गुड चॉइस, क्योंकि हम जब हैंड्स की हम एल्बो से ऊपर की तरफ जब मेहंदी लगा रहे होते हैं तो कलर नहीं आता है। कितनी ज़्यादा लोगों को कलर्स की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ कलर नहीं आता है। तो मेक श्योर करिएगा कि जब आप स्टार्टिंग एलिमेंट क्रिएट करो तो वो डिज़ाइन बोल्डनेस वाली डिज़ाइन ही हो, आप नेगेटिव स्पेस की तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। दैट्स वाई हम यहाँ पे इस तरीके से एम्बोज क्रिएट कर सकते हैं। आप एक लीफी लीव्स का बंच भी क्रिएट कर सकते हो। सो इस तरीके से मैंने हमारे एलिमेंट्स को एड ऑन करके थोड़ा सा और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाकर मैंने हमारे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है स्टार्टिंग एलिमेंट्स को। और अब हम यहाँ पे बॉर्डर लाइन दे देंगे, और बॉर्डर लाइन के साथ हम यहाँ पे लीव्स को क्रिएट करेंगे। लीव्स के क्रिएट हो जाने के बाद आप इसमें फिल कर सकते हो फिलर एलिमेंट, लेकिन मैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर बता रही हूँ। हर स्ट्रक्चर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं यहाँ इस डिज़ाइन में आपको हर एलिमेंट लास्ट में फिल कर शेयर करूँगी, ताकि आप अपनी मर्जी से भी कोई एलिमेंट अगर एड ऑन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर पाओ। तो यू कैन सी यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, हाफ सर्कल को, और उसमें मैं ये फिलर एलिमेंट को फिल कर दूंगी। अगेन फिर हम उसे बोल्ड कर देंगे, उसके साथ एक थिन लाइन ड्रॉ कर देंगे और हम उसकी लाइन को क्रिएट करेंगे। ब्राइडल मेहंदी में हम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपकी डिज़ाइन को दूसरी डिज़ाइन से मिलने से रोकेगा और वो डिवाइड करके आपकी डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव बनाएगा। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर मैंने बॉर्डर लाइन को भी क्रिएट कर दिया है। अब आप कोई भी बॉर्डर लाइन अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो। अगेन हमने हम्स को ड्रॉ किया है, उसके बाद हम यहाँ इस तरीके से सेंटर में एक फ्लावर को ड्रॉ करेंगे, और फ्लावर के साथ हम इस तरीके से लीव्स और अदर फ्लावर्स के साथ हम कंप्लीट करेंगे हमारा ये एक एरिया। जो सर्कल के अकॉर्डिंग होगा, यू कैन सी कि हमने ये बॉर्डर लाइन के साथ कितनी अच्छे से इसे कनेक्ट किया है। और अगेन हम इस तरीके से बाहर की तरफ बॉर्डर लाइन दे देंगे, ताकि हमको पता चल सके कि हमने अपनी डिज़ाइन अब कहाँ पर क्रिएट करनी है। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक शेप को क्रिएट किया है, और वहाँ मैं हम्स वाले डॉट वाले स्पाइरल को क्रिएट कर रही हूँ। बिकॉज हमने ऊपर की साइड पे हम्स बगैर के स्पाइरल को फिल किया है, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस तरफ डॉट वाले या फिर कोई से भी हम्स वाले स्पाइरल को ड्रॉ करें। और इसी के साथ मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगी
एक बोल्ड लाइन और बोल्ड लाइन के साथ हम्स एंड हम्स के साथ हम क्रिएट करेंगे एक बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन भी मस्ट है, आपको दो पार्ट को डिवाइड करने के लिए बॉर्डर लाइन को यूज़ करना ही करना है, अदरवाइज आपकी डिज़ाइन बहुत ही भरी भरी और बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगेगी अगर वो डिवाइड होकर नहीं नज़र आएगी। तो अब उसके बाद मैंने थोड़ी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया और ये ट्राइंगल का शेप बन गया है। तो अगेन मैं यहाँ पर सर्कल वाले हम्स वाले स्पाइरल को ड्रॉ कर रही हूँ और हमारी बोल्ड लाइन क्रिएट हो जाने के बाद तो हम यहाँ पे हम्स को क्रिएट करेंगे और बॉर्डर लाइन नहीं क्रिएट करेंगे बिकॉज अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं लीव्स। आपको इस तरीके से डिज़ाइन के सेंटर में अगर आप लीव्स क्रिएट करते हो आपका लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे से बैलेंस आउट हो जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और फिर मैं इसे इतनी पतली सी बॉर्डर दूंगी ताकि जब मैं फिलर एलिमेंट फिल करूँ तो ये नज़र भी ना आए लेकिन ये फिर भी डिवाइड लगे। इसीलिए मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। सो यू कैन सी कि मैंने एक और फ्लावर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। बेसिकली अब हम इस बंच को थोड़ा सा हमारा अरेबिक स्टाइल में ले जाएंगे बिकॉज बहुत से लोगों को पसंद होता है ये स्टाइल और ये मेरा स्टाइल है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यू कैन सी मैंने सेंटर की तरफ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ की एंड हम्स क्रिएट किए। उसी के साथ हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हमारे ये हाफ एक फ्लावर और इसके साथ हम थोड़े से बेसिक से हमारे बंचेस वाले एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और लीव्स भी ऐड करेंगे। हम प्रॉपर हमने एक बंच को क्रिएट कर देना है। अपनी डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको ये करना है और अगेन आपको बॉर्डर को फिल कर देना है, बॉर्डर लाइन देनी है आपको लीव्स के आसपास। हमने यहाँ पे थोड़े से हमारे स्पाइरल को ऐड ऑन किया है और इस तरफ हमने हमारे लीव्स को क्रिएट किया है ताकि एक सेपरेटली अलग से एक एरिया हो जाए, हम वहाँ पे हमारे एलिमेंट्स को फिल कर पाए। अगर आप बिना लाइंस को क्रिएट करें, बिना बॉर्डर लाइन को क्रिएट करें आप एक सेपरेट एरिया बनाना चाहते हो जिसमें आप फिलर एलिमेंट फिल कर सको तो आप इस तरीके से लीव्स की डिज़ाइंस को क्रिएट कर भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। अच्छे से हमने बोल्ड कर दिया था हमारी लीव्स को और एलिमेंट्स को भी हमने ऐड कर दिया था। अब हम यहाँ सेंटर की तरफ एक और रोज़ फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं हम और उस रोज़ फ्लावर को हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से एम्बोस के फिलर के साथ। सो ये और अट्रैक्टिव लगेगा। लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन आपको तब भी ध्यान में रखना है जब आप बंच को ड्रॉ कर रही हो, स्पेशली ब्राइडल मेहंदी में तब भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन ब्राइडल मेहंदी हो या साइडर मेहंदी हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ तो जिन लोगों ने मेरी ये प्रीवियस वीडियो देखी है उन लोगों को ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पे मैंने एक और छोटे वाले हमारे बोल फ्लावर को ऐड कर दिया था और एक इस तरीके से थंब की तरफ हम लाइन लेके एक और हम सेपरेट एरिया कर देंगे जहाँ हमारी मर्जी के हम फिलर एलिमेंट फिल कर सके। सो यू कैन सी, अगर आप चाहो तो आप चेक्स एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। दोनों तरफ हमने हम्स की लाइंस को भी क्रिएट कर दिया है और हमारे थंब्स की फिंगर को हम इस तरीके से बॉर्डर लाइन के साथ क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ हमारे लीव्स की विंग्स वाली बॉर्डर डिज़ाइन। अच्छे से आपको लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन को मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पे हम इस तरीके से बॉर्डर लाइन को देंगे, बोल्ड कर देंगे हमारे फ्लावर्स की डिज़ाइन को और हाफ सर्कल इस तरीके से ऐड करेंगे और इसमें हम कुछ अच्छे से फिलर एलिमेंट को फिल करेंगे। यू कैन सी कि मैंने थम्स की डिज़ाइन पे ओनली चेक्स को क्रिएट कर दिया है। इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि आपको इसमें कौन से चेक्स की डिज़ाइन क्रिएट करनी है।
सो गाइज यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसमें डॉट वाले लेयर्स वाले हम सिंपल लाइंस वाली फिलर एलिमेंट को फिल कर देंगे ताकि हमारे जो बाजू की स्पाइरल की डिज़ाइन है वो डिफरेंट दिखाई दे, ये चीज़ का भी आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना होगा। अब हम फिंगर की तरफ इस तरीके से एक फ्लावर को ड्रॉ कर देंगे और इसे हम फर्स्ट फिंगर की तरफ कनेक्ट करेंगे। आप अपनी मर्जी से भी कोई सी भी डिज़ाइन को आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने फर्स्ट फिंगर को और सेकेंड फिंगर को इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है और इसमें मैं हेवी वाले स्पाइरल्स को फिल कर रही हूँ ताकि आपकी डिज़ाइन बनने के बाद और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। सो नाउ यू कैन सी हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अपने हिसाब से आप कोई से भी फिलर एलिमेंट फिल कर सकते हो। मैंने इस तरीके से इसे कंप्लीट किया है। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। सो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।